तकदीर मुबरम अल्लामा राशिदुल खैरी मुसव्वर गम, बीवी आपने उनका हवाला दिया, अब उनको कौन जानता है और कौन पढ़ता है। 1857 की जंग आजादी, औरतों के मजालिम, जो कुछ उन्होंने लिखा, बहुत कुछ लिखा और बहुत सुथरा लिखा, इसीलिए उन्हें मुसव्वर गम कहा जाता था कि उनकी चीजें पढ़ें तो गम और रंज तारी हो जाता है। ये जो गोद भराई की रस्म थी किसी जमाने में होती थी, अब कहां रही। सही चीज ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि बच्चे में जब रूह आती है तो फरिश्ते अल्लाह से ये पूछते हैं कि परवरदिगार इसकी तकदीर क्या लिखे, और रूह जब आती है तो वो 4 महीने 10 दिन, अब मेडिकल साइंसेस भी बताती हैं यही कि बच्चे में तहर्रुक पैदा होता है, अगरचे वो तो पहले दिन से ही हो जाता है कि दिल उसका मुतहर्रिक होता है, लेकिन वो रूह जो असल में आती है 4 महीने 10 दिन। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि वल्लज़ीना यतवफ़ौना मिनकुम, और तुम में से जो लोग इंतकाल कर जाएं, उनकी बीवियां रह जाएं, तो यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना, वो नए निकाह के लिए 4 माह और 10 दिन इंतजार करें। ये मैक्सिमम पीरियड कुरान ने दिया, नहीं आयत, मैंने कुछ और टुकड़ा कहीं और का पढ़ दिया, बहरा कुरान करीम में कि अरबात अशोरिम वाशरा, 4 महीने और 10 दिन। ये 4 महीने 10 दिन के करीब उसकी रूह, उससे तहर्रुक जो पैदा होता है, हरकत बच्चे की, इस पे हिंदुस्तान में पूरा एक रस्म होती थी गोद भराई की। अब गोद भराई कहां रही, रही होगी तो उन्हीं की रही होगी जो कराची में है, जो उस नस्लों से यहां आगे नस्ल मुंतकिल हुई है, वगरना पाकिस्तान उन इलाकों में बनाया गया है जहां कभी भी कोई तहजीब नहीं थी। वो तहजीब क्या थी, घोड़े लड़ाने, वो बटेरे लड़ाने की वो तहजीब क्या थी, चर्स भंग पीने की वो तहजीब क्या थी, हैं हाँ मुर्गे लड़ाए, अब तक भी है, भीड़ पड़ता है ना, वो ये सारी यही की तहजीब थी, वगरना और क्या था। इतने बड़े बड़े लोग इस सरजमीन में गोलड़ा में हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह रहे, क्या किसी ने कदर की और क्या हजरत रहमतुल्लाह से किसी ने पढ़ा। सिलसिला कादरिया के उन लोगों में से थे जिन लोगों के मुतल्लिक आता है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बाद सिलसिला कादरिया की नुमाया शख्सियत हजरत पीर मेरे अली शाह साहब रहमतुल्लाह के लिए, किसने पढ़ा और किसने जाना। तो ये गोद भराई की रस्म होती थी, जब दुल्हन ये बताती थी कि मुझे ऐसी ऐसी चीजें महसूस होती हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब बच्चे में रूह आती है तो 4 चीजें तय कर दी जाती हैं। फरिश्ते अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह ये सईद होगा ये शकी होगा, बदबख्त या नेकबख्त, तो अल्लाह ताला बता देते हैं ये क्या है, उसके अंजाम पे नजर करके। सारी जिंदगी यजीद की तरह बदबख्ती के काम करता रहता है और तकदीर में लिखा होता है कि बहुत नेक आदमी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात से सिर्फ 1 हफ्ता पहले अल्लाह की रहमत, कोई नेकी उसकी काम आ जाती है और खुदा कहता है मेरे बंदे की तकदीर को अब बदल दो। यानी ये जो 1 हफ्ता रह गया है इसमें नेकी के काम वो करेगा, तो तकदीर तो पहले ही लिखी होती है कि ये नेक है या बद है, ये जो कुछ भी है। दूसरी चीज की उम्र लिख दी जाती है, ऐन मौत के वक्त जब फरिश्ते भी आ जाते हैं हत्ता के, और आखिरी लम्हा होता है, हुक्म आता है कि इसकी उम्र बढ़ा दो। हमने 60 लिखी थी, इसकी मां की दुआ इसे पहुंची है, इसे 80 कर दो, 90 कर दो, जितना अल्लाह चाहे। रिस्क तीसरी चीज लिख दी जाती है, और उसमें भी यही है कि अल्लाह ताला किसी मौके पर पहुंचिए अपना फैसला, ये वो खुद ही जानता है कब फैसला बदलेगा। चौथी चीज फरिश्ते पूछते हैं तो इरशाद होता है कि इसकी मिट्टी, ये कहां दफन होगा, फलां जमीन में। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब जिंदगी कहीं और गुजारता है, और जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है तो किसी जरूरत की वजह से अचानक उस जमीन में चला जाता है और वहां उसकी मौत हो जाती है, और हुक्म होता है कि वहां की मिट्टी इस बच्चे में जो लोथड़ा है खून का जो कुछ भी है इसमें मिला दो। तो मिट्टी मिला दी जाती है, ये 4 चीजें हैं,
इस पे गोद भराई करते थे, यानी खैर और खुशी की खबर। अब भी करे तो हिंदुस्तान का रस्म और रिवाज है, ये शरीयत की किसी चीज से टकराता नहीं। जब भी नई अकवाम इस्लाम में दाखिल हुई हैं, फुकहा ने इस पे गौर किया कि ये हमारी शरीयत भी किसी चीज से टकराता है, नहीं टकराता, उन्होंने कहा अलाउड है, बस ठीक है लोग करें, क्योंकि ये उनका एक तरह का कौमी रसूम है, उनका हक बनता है, जैसे वो खुशी मनाए, अगर वो खुशी शरीयत से नहीं टकरा।